नमस्कार मित्रों, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर डी कुमार। आज हम आपको स्पेसिफिक एजेंस एसेंस से D1, D2, D3 और D3 से D4, D5, D6 डाइल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा AF1 का स्पेसिफिक एसेंस है। अब इसमें से हम सर्वप्रथम एक ML स्पेसिफिक एसेंस लेते हैं और 1:9 के रेशियो में, 1:9 के रेशियो में यानी 1 ML हम स्पेसिफिक एसेंस लेते हैं और बाकी 9 ML इसमें हम RS डालते हैं। 9 ML हमारा RS हो गया। अब इसको हम 9 ML RS और 1 ML हम स्पेसिफिक एसेंस डाले हैं। अब इसको हम स्टोक लगाते हैं। ये 48 स्ट्रोक हो गया। अब हमारा D1 डाइल्यूशन बन गया। अब D1 में से हम पुनः 1 ML निकाल कर अब हम पुनः D2 बनाते हैं और इसमें 1 ML हमने D1 डाइल्यूशन डाल दिया। अब पुनः इसी तरह 9 भाग रेस्टिफाई स्पीड RS डालते हैं और यहाँ पर भी हम स्ट्रोक लगाते हैं 48, 1, 2, 3, 4 और ये 48 स्ट्रोक लगाने पर हमारा D2 हो गया। अब D2 से हम पुनः 1 भाग यानी 1 ML हम लेते हैं और D3 बनाने के लिए 1 ML इसमें D2 डाला। अब 9 भाग इसमें हम RS डालते हैं ये 9 भाग हमारा RS है। अब हमारा ये इसको स्ट्रोक लगाते हैं 48 अब हमारा ये D3 डाइल्यूशन तैयार हो गया और इसी D3 डाइल्यूशन से हम D4, D5, D6 जिसे D4 को हम फर्स्ट कहते हैं, D5 को सेकंड और D6 को थर्ड। तो जिस तरह से हम बना रहे इसमें सब 1 भाग लेकर और 9 भाग हम RS पुनः लेकर 48 स्ट्रोक लगाएंगे तो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसको हम D4 कहते हैं। फिर D4 से उसी तरह हम 1 ML लेकर 9 भाग RS का मिलाकर 48 स्ट्रोक लगाने से हमारा D5 तैयार हो जाता है और D5 में से इसी तरह से हम पुनः 1 ML लेकर 9 भाग RS डालकर स्ट्रोक लगाते हैं, D6 तैयार हो जाए जिसे हम थर्ड डाइल्यूशन बनाते हैं। तो मित्रों, ये हम आपको बताए आज हमने स्पेसिफिक एसेंस से D1, D2, D3 और D4, D5, D6 डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं और इस तरह से हम डाइल्यूशन अपना बना सकते हैं। और इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।